नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, सेल ने राष्ट्र निर्माण में अब तक 450 मिलियन टन इस्पात का योगदान दिया है। और सेल आरएसपी के अंदर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औचक जांच आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में स्थित सेल के वरिष्ठ अधिकारियों और एक वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। अब तक हमने 450 मिलियन टन इस्पात मुहैया कराया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे, अंतरिक्ष, रक्षा, बिजली उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया है और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद की है। इस प्रभावी बैठक में कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, कार्यपालक निदेशकों और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अपार बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अध्यक्ष ने उन लोगों की भी सराहना की जिन्होंने देश में प्रगति के युग की शुरुआत की है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम सब भी योद्धा हैं, हमें अपनी कंपनी को गौरव की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कुछ मानसिक बंधुओं को तोड़ना होगा। सेल के विभिन्न इकाइयों में हाल ही में विकसित किए गए नए उत्पादों के बारे में बताते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कंपनी के पास वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा समूह है जो लगभग किसी भी प्रकार के इस्पात का विकास कर सकते हैं, जो देश को इस्पात में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। सेल प्रमुख ने पिछले वित्त वर्ष में कंपनी के भौतिक मोर्चे और पोस्ट लॉकडाउन अवधि की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बताया। श्री चौधरी ने लेखांकित करते हुए कहा, हमारे पूर्ववर्तियों ने हमारे लिए एक शानदार विरासत छोड़ दी है। वर्ष 1996 में सेल विश्व में सबसे कम लागत वाला इस्पात उत्पादक था। हमें इस प्रतिष्ठित खिताब को हासिल करने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कंपनी की कार्यकारिता के विभिन्न अन्य पहलुओं जैसे बिक्री, वित्त, लागत अनुकूलन, निर्यात, मानव संसाधन, कच्चे माल, लॉजिस्टिक और संरचना, सुरक्षित डिजिटलकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, विक्रेता प्रबंधन, निवारक अनुरक्षण आदि के बारे में भी चर्चा की और प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य की योजना एवं रणनीति के बारे में भी चर्चा की। अध्यक्ष ने केंद्रीकृत विक्रेता पोर्टल का भी उद्घाटन किया जो कि हितधारकों की संतुष्टि में एक लंबा रास्ता तय करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयंत्र परिसर के अंदर शून्य सड़क सुरक्षा दुर्घटना सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक निदेशक वर्क्स के मार्गदर्शन में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ CISF और कार्मिक विभाग के प्रतिनिधियों के अलग अलग दलों को विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर औचक जाँच करने के लिए नामित किया जाता है। 17 अगस्त को संस्कार गेट एवं NSPCL चौक के बीच एक औचक जांच आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री ए.वी. राजशेखर ने न्यू प्लेट मिल और कोक अवन विभाग की विभागीय सुरक्षा अधिकारियों एवं सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, कामिक विभाग और CISF के प्रतिनिधियों को लेकर गठित टीम का नेतृत्व किया। उप महाप्रबंधक न्यू प्लेट मिल एवं DSO श्री PK कोंगाड़ी ने इस अभियान का संचालन किया। सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों और बाहरी हल्के और भारी वाहन के चालकों को मौके पर गति सीमा को बनाए रखने के संबंध में परामर्श दिया गया। सड़क सुरक्षा उल्लंघन करने वालों में से कुछ को दंडित भी किया गया। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार सुरक्षित गति सीमा का पालन कर कर्मचारियों को औद्योगिक परिसर के अंदर सुरक्षा संस्कृति के लिए अभ्यस्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मानसून के दौरान फिसलने वाली पॉट होल, जल प्रभाव आदि के कारण वाहन स्किडिंग और अन्य
अनुचित दुर्घटनाओं की दर को कम करने के लिए विशेष देखरेख की जाती है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।